दोस्तों स्वागत है आपके चैनल IVME में। मैं आज बात करने जा रहा हूं एक ऐसे गांव के बारे में जहां 200 सालों से होली नहीं खेली गई है। जी हां दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि यह कौन सा गांव है, ऐसा क्या हुआ था इस गांव में कि यहां के लोग होली मनाने से डरते हैं। यह सत्य है कि इस गांव के लोग पिछले 200 सालों से होली नहीं खेले हैं। वैसे तो होली हिंदुओं का त्यौहार है, लेकिन इस पर्व को सभी धर्म के लोग मिलजुल कर मनाते आए हैं और यह पर्व देश और विदेश में मनाया जाता है। इसमें रंगों का खास महत्व होता है। इस पर्व में लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्या हुआ उस होली के दिन कि उस गांव में उस दिन के बाद से कोई भी होली नहीं मनाता है? आखिर वह कौन सी घटना थी जिस कारण से इस गांव के लोग होली खेलने से डरते हैं और अक्सर लोग इस पर्व से दूरी बना लेते हैं? आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। दुनिया भर में लोग होली हर्षोल्लास और खुशी से मनाते हैं, लेकिन भारत देश में एक ऐसा गांव है जहां लोग होली मनाने से डरते हैं। होली के दिन सारी दुनिया रंग में सराबोर रहती है, लेकिन इस गांव के लोग काफी डरे और सहमे हुए से रहते हैं और सारे गांव वाले इस गांव की सीमा पर तैनात रहते हैं कि कोई भी बाहरी व्यक्ति होली के दिन आकर इस गांव में होली ना खेले। जो भी व्यक्ति इस गांव में आकर होली खेलता है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। कुछ लोग इस बात को सच नहीं मानते थे, जिस कारण से वे इस गांव में जाकर होली खेले और उनके साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ कि वे काफी डर गए और उनकी जान पे भी बन आई और उसके बाद उस गांव में काफी बीमारियां आने लगी, जिस कारण से उस गांव के लोग काफी डरे और सहमे हुए रहते हैं। और तब गांव वालों ने यह ठाना कि होली के दिन इस गांव में किसी को भी प्रवेश ना करने दिया जाए और ना ही होली खेलने दिया जाए। यह गांव हमारे भारत देश के झारखंड राज्य के बोकारो जिले में स्थित है। यह गांव बोकारो जिले में कसमार प्रखंड के अंतर्गत दुर्गापुर नामक एक गांव है। इस गांव में सभी जाति और सभी धर्म के लोग आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन इस गांव में सदियों से होली नहीं खेली गई है। इस गांव में रंग और गुलाल खेलने की अनुमति नहीं है और ये परंपरा 200 सालों से चलती ही आ रही है। दुर्गापुर गांव के बुजुर्गों के दंत कथा के अनुसार इस गांव में सदियों पहले दुर्गापुर के राजा दुर्गदेव की रियासत हुआ करती थी। एक दिन राजा दुर्गदेव के महल में नर्तकी का नृत्य चल रहा था। उसी समय रामगढ़ के राजा दलेर सिंह के दो घुड़सवार सैनिक पश्चिम बंगाल के झालदा बाजार से रानी के लिए साड़ी लेकर दुर्गापुर के रास्ते रामगढ़ लौट रहे थे। तभी राजा दुर्गदेव की नजर घुड़सवारों पर पड़ी और उन्होंने दोनों को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने सैनिकों से साड़ी लेकर नर्तकी को पहना दिया और फिर नर्तकी से नृत्य करवाने लगे। नृत्य के बाद राजा दुर्गदेव ने साड़ी वापस सैनिकों को दे दी और कहा कि जाओ अपने राजा के रानी तक इस साड़ी को पहुंचा देना। और जब रामगढ़ के राजा को इस बारे में पता चला तो रामगढ़ के राजा तुरंत दुर्गापुर पहुंच गए और दुर्गापुर के राजा दुर्गदेव की हत्या कर दी। वह दिन था होली का और बुजुर्गों के दंत कथा के अनुसार कहते हैं कि इस गांव में राजा की आत्मा उसी दिन से भटकती है और होली मनाने वाले को अपना निशाना बनाती है। यहां पर इंसानों की मौत के साथ साथ जानवरों की भी मौतें होने लगती हैं। उस दिन के बाद से गांव और जो राजा का महल है वह वीरान पड़ा हुआ है और उस महल के आसपास के कई मकान खंडर में तब्दील हो चुके हैं। यहां दिन में तो कोई आता जाता नहीं और रात को अक्सर लोग जाने से कतराते हैं। कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स यहां पर होली की रात को जाकर रिसर्च कर चुके हैं। अगर कोई व्यक्ति इस गाँव में होली मनाता है तो इस गाँव के लोगों की और जानवरों की भी मौतें होने लगती है। बुजुर्ग
लोगों के दंत कथा के अनुसार कई वर्षों पूर्व दुर्गापुर में एक परिवार ने होली खेली थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि पूरे गांव में एक महामारी फैल गई, कई लोगों की जान चली गई, कई जानवरों की भी मौत हो गई। हालांकि होली ना मनाने का प्रतिबंध गांव के सीमाओं के अंदर तक ही सीमित है। अगर कोई व्यक्ति बाहर जाकर होली खेलना चाहे तो वह खेल सकता है। दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई गाँव है जिनके कई राज दफन है। अगर आप भी किसी ऐसे गांव के बारे में जानते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।